Rita, senior members of IIT family and dear colleagues. आज ऐसा अभी भी लग नहीं रहा है कि प्रसाद राव साहब हमारे बीच में है नहीं. मेरे को लगता है कि वो इस फोटो में से बाहर आ जाएंगे और उनकी जो यूनिक स्टाइल थी. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स व्हाई आई एम लेट, आई एम सॉरी, जो उनकी स्टाइल थी उसी स्टाइल से हम सबको संबोधन करना शुरू करेंगे. इतना उनकी यादें हमारे दिल में है. डॉक्टर प्रसाद राव के एक सब मीन्स उनकी सब क्वालिटीज जो ह्यूमन लोग बोल रहे हैं उसको एक ही है कि सर्वेस भवंतु सुखिना. तो उनमें ये था कि सबको कितना मैं सुख दे सकता हूँ. जितनी मेरी जो भी मेरे घर पे आए जो भी मेरे द्वार पे आए उसको मैं मैक्सिमम सुख दूँ. मुझे याद है कि प्रसाद राव साहब आने के पहले जो सीनियर साइंटिस्ट थे वो भी मसूरी एक्सप्रेस के सेकंड क्लास स्लीपर से ट्रैवल करते थे क्योंकि जगह मिलती नहीं थी. तो उन्होंने आए बराबर बोले मेरे साइंटिस्ट की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. तो टैक्सी का सबको अलाउ कर दिया. तो हम जब भी सीएसआर मीटिंग में जाते थे दिल्ली का हमारे बाकी सीएसआर कलीग कहते थे अरे यार तुम लोग खाट से टैक्सी से आते हो. मैंने बोला उसका क्रेडिट जाता है हमारे डायरेक्टर प्रसाद राव साहब को. उन्होंने हमारे लिए ये स्पेशल अनाउंस अरेंजमेंट की हुई है. वैसे ही डॉक्टर जैसे ईशन शर्मा जी ने बोला कि जितने भी लोग वो उनको लगता है वो अच्छे हैं उनको बोलते थे कि चलो आप इनको एब्रॉड भेजो. वो बोलते थे साहब अभी तक हम डोईवाला तक भी नहीं गए और आप हमको एब्रॉड भेज रहे. उनको विश्वास नहीं होता था. लेकिन फिर ईशन शर्मा साहब जो जस्टिफिकेशन लिखते थे और प्रसाद राव साहब की रिकमेंडेशन तो सीएसआर में कुछ की मजाल हो कि वो कैंसिल हो जाए. तो इसी तरह से जैसे शर्मा जी ने भी बोला कि 94 लोग एक साल में वो यूनिक रिकॉर्ड हो गया कि जो बाहर गए थे. डॉक्टर साहब का पीआर बहुत ही ज़बरदस्त था. डॉक्टर साहब के दौरान मेरे को लगता है कि सारे जो बड़ी बड़ी यूओपी के हो या स्टोन एंड मेस्टर हो, हल्डर टॉप्स हो, शिवराम हो, सबके सीएमडीज यहाँ आते थे. और डॉक्टर साहब का क्या जादू था मालूम नहीं. सब लोग उनके साथ बड़े प्यार से पेश आते थे और बातचीत होती थी. फिर पार्टी भी होती थी और उसके अलावा सारे सीएमडीज हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री के भी आते थे. तो डॉक्टर साहब कभी कभी कहते थे उनको जब कि दिस इंस्टीट्यूट डजंट बिलोंग टू मी, इट्स यू आर द ओनर. और इस तरह से वो बहुत अच्छी तरह से उनको भी मोटिवेट करते थे कि आप यहाँ आए हो आए कि सपोज शेयर लिस्ट पे रहेगा तो आज आपके आने के कारण शेयर के भाव कहीं के कहीं पहुँच जाते. तो उस टाइप का उनका एक खास स्टाइल था. और वो जैसे कुलदीप चंद्रा साहब ने बोला कि हर एक मेंबर्स को कभी सिंपल जैसे बासमती राइस दिया या कुछ लीची दी. फिर वो कहते थे श्रीकांत दिस सीएसआर फेलो डजंट नो हाउ टू डू बिजनेस. They don't want to give needle and they expect elephant from others. इसलिए मेरा ये है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो अपने हाथ में थोड़ा उनको ये दो और थोड़ा ऑर्गेनिक बॉन्डिंग तैयार करो. इस तरह से साहब के कई अच्छी क्वालिटीज थी. जैसे सब लोगों ने बोला कि जो आया भी एनुअल मीट होता था उसमें शाम को गर्मी नहीं होता था तो डॉक्टर साहब ने फिर सबके लिए पंखे भी अरेंज किए थे. फिर मैंने देखा कॉलोनी में लोगों के घरों में उनके माता-पिता जी भी वो पंखे यूज करते थे जो हाथ से चलाने वाले. तो बहुत अच्छा तरह से उनको लगता था कि अरे इनको गर्मी हो रही है कुछ ना कुछ करना चाहिए. तो इस तरह से उनका बाद में उनके उसमें आया कि मेला ऑर्गेनाइज करते थे, कम्युनिटी डिनर और कई फंक्शंस करते थे कि जिसमें फैमिली के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो जाए. और मैं ये इसी से करता हूँ कि मैंने उदय का जो कंडोलेंस उसने डॉक्टर ऑफ प्रसाद राव के लिए लिखा था तो उसका लास्ट का सेंटेंस एक बहुत ही अच्छा लगा बिल्कुल डॉक्टर प्रसाद राव को फिट करने वाला कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर प्रसाद राव अभी स्वर्ग में बैठ के कॉफ़ी का कप लेके सब बहुत सारे लोगों के साथ अपने आईआईटी के बारे में या गप्पे मार रहे होंगे और हम सबको वो निराधार करके बेसहारा करके यहाँ छोड़ के चले गए. धन्यवाद.